ये भी एहतियात करना भाई। यहाँ पर सब टूटा फूटा है भाई, एहतियात से। तो बड़ा मज़ा आता है, हमने भी इंजॉय किया, इन्होंने इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। लेकिन एक लोग वजू करते हैं शॉक्स में, पानी में डाल अभी बताए शॉक्स तो यहाँ की सबसे अच्छी और इंजॉय वाली चीज़ खामोशी है यहाँ की, और इस हवा की आवाज़ और हवा में आपको परिंदों की आवाज़, ये सबसे मैंने इंजॉय किया यहाँ पे आके, और सबसे कीमती चीज़ है यहाँ की। जो बात है सर, थैंक यू। किसान साहब कह रहे थे ना ठहर ठहर के जाना जी, ठहर ठहर के तो आए हैं सर, ठहर ठहर के मज़ा आया ना। देखो इतने आराम से ऊपर आ गए हैं, और ये व्यू जो है मिलियन ऑफ डॉलर्स का, काश के कैमरा ये दिखा सकता। कैमरा नहीं दिखा सकता ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फादर एंड सन एडवेंचर्स। आज की इस वीडियो में हम आप देख सकते हैं दिस प्लेस लुक्स फेमिलियर टू यू गाइस, वो जगह है जहाँ अपने गेस्ट वगैरह को बेसिकली लाते हैं। और आज हम अपने एक और गेस्ट के साथ आए हैं, और वो हमारे वीवीआईपी गेस्ट हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो न्यूयॉर्क से आए हैं। तो उन्होंने हमें बोला भाई मुझे अच्छे से अच्छा पैकेज चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट द मनी। और जब उन्होंने बोला हमें एग्जैक्टिव पैकेज चाहिए, तो हमने उनको ज़ियारत के सबसे बेस्ट स्पॉट पर स्टे करवाया है। वो फ़िलहाल ऑन टॉप हैं, उनकी शॉर्ट्स वगैरह हमने ऑलरेडी बैल्कनी के दिखाए, और उनके रूम की वीडियो भी हम आपको दिखा देंगे। फिलहाल हम नीचे आए हैं, ये भी अच्छे एग्जैक्टिव रूम्स हैं, लेकिन ये इकोनॉमिकल है। तो मैं आज आपको ये भी दिखाता हूँ, इधर मैं और डैडी स्टे करेंगे, ठीक है। ये वाले रूम्स भी मैं आपको चेक कराता हूँ। अभी ये बेसिकली ये देखें, ये इनका मकरान कॉन्फ्रेंस हॉल है। खैर ये अब तक ना सब अंडर रेनोवेशन है। अच्छा अगर मैं आपको ये रूम दिखाऊं, ये रहा वॉशरूम, ठीक है, और ये एक रूम है। इसमें भी हर वो नेसेसिटी पूरी की गई है जो रूम्स में होनी चाहिए। देखें क्लॉजेट्स वगैरह है सारे, ये सारे क्लॉजेट्स हैं। तो तकरीबन हर नेसेसिटी पूरी की गई है जो एक रूम में चाहिए होता है, लेकिन जो ऊपर है वो वीवीआईपी रूम्स हैं। सात वाले रूम में था, जो सात वाले रूम में। अच्छा सो दिस इज़ अगेन, ये वो रूम है जो शायद हमारे लिए चूज़ किया है डैडी ने। अच्छा ये दिस इज़ द वॉशरूम एंड लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ पर आपको डबल बेड मिल जाता है, ये है। अच्छा सिर्फ ये नहीं, ठीक है, दिस इज़ मी, ठीक है, एंड लेट मी शो यू द बेस्ट पार्ट। ओके बॉस, अभी मैं आपको इधर बैल्कनी का व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द व्यू। तो ये भी जो है ना कोई रेगुलर कमरा नहीं है, ये भी बहुत वीवीआईपी कमरा है। जो ऊपर वाले हैं वो थोड़ा जो है ना और एग्जैक्टिव वो चला जाता है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो गुड रूम। तो डैडी अभी आप और मैं यहाँ पर स्टे करेंगे, बिजनेस करने का फायदा क्या हुआ। खैर एनीवेज, हमारे बहुत वीवीआईपी जो है ना कस्टमर है, ऊपर से न्यूयॉर्क से आए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं हम उनको अच्छे से अच्छा एंटरटेन कर सकें। अभी हमारे पास टाइम कम है, हमने उनको आधे घंटे का टाइम दिया, वो भी फ्रेश हो रहे हैं, हम भी वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। और दूसरी बात, और उसके बाद अगर आप लोग आना चाहते हैं बाहर से, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो आना चाहते हैं, पाकिस्तानी फॉरनर्स हैं, कोई भी हैं आना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, आपका पूरा कम्प्लीट सिक्योरिटी। एयरपोर्ट मतलब कहते हैं ना एयरपोर्ट टू बस एंड बस टू एयरपोर्ट अगेन, और ऑल सब हमारी जिम्मेदारी है, आपको हिम्मत करनी है। एयरपोर्ट से आपको हम पिक करेंगे होटल तक, होटल में फिर जो क्वेटा जहाँ जाना है आपको टूर देना है, ज्यारत हम आपके साथ रहेंगे। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, आपका कॉन्टेक्ट नंबर आप हम नीचे अपना डिटेल में दे रहे हैं। खैर अभी नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे टूर पर निकलेंगे और आपको बताएंगे कि हमने क्या किया। बेसिकली उनका एक दिन गुजर गया, उनको हमने क्वेटा टूर दिया, और उसमें हमने व्लॉगिंग नहीं की, लेकिन ज्यारत आओ और व्लॉगिंग ना करो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो ज्यारत टूर में भी व्लॉगिंग में हम आपको अपने साथ रखेंगे। तो रेडी राजा जी, राजा जी जो मीट आवर द यूट्यूब फैमिली, आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे रहेंगे। तो हमारी तरफ से सबको हाई बोल दें और बताएं कि ओवरऑल अभी तक आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है, और आगे आप कितना एक्साइटेड हैं। 10 में से रेटिंग दे दें, आउट ऑफ 10।
अब किस चीज को रेटिंग देनी है? ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस गुजरा है, ऑल तो अभी तक सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज सो गुड, फूड इज डिलीशियस, और खास तौर पे जो हाइजीन है, जो मैंने मुझे कंसर्नड हाइजीन का था, उसमें एवरीथिंग इज हाइजेनिक। मुझे एहसान साहब प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैं उनको बता रहा हूँ, जो बताया था उसी लिहाज से मुझे पानी का मसला है, तो वो मुझे बॉटल वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं जो मुझे चाहिए जिस ब्रांड की। और खाने में भी इसी तरह, अभी मैंने लंच किया, घर का खाना था, और घर का खाना तो हमेशा हाइजेनिक ही होता है क्योंकि घर पर बनता है ना। तो अभी तक एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जो मुझे बताया गया है कि पार्टी अभी स्टार्ट होनी है, अभी होनी है सर, वो तो गाड़ी गाड़ी मुड़ रही है, आई एम वेरी एक्साइटेड कि पार्टी स्टार्ट होनी है, तो क्या क्या होना है, अपने व्यूअर्स को भी साथ रखेंगे जी। तो हमारा ये हम बोलते हैं राजाची जू, आप भी बोलेंगे राजाची, राजाची जू जू। अभी जो है हम अपनी जो है ट्रेल स्टार्ट करने वाले हैं, हमेशा हम इस ट्रेल पर आते हैं क्योंकि जो इसका व्यू है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। सर आर यू रेडी? ऑफ कोर्स। फिर एक बार ट्रेल करनी है, फिर आपने जो नेचुरल ब्यूटी को देखना है, और फिर हमें बताना है कि आपको कैसा मजा आया नहीं है। बिल्कुल मैं बताऊंगा, ठीक है जी। लेट्स गो। व्यू में है क्या? As far as मुझे फ्रीक्वेंटली जो है ना डिस्करेज करते जा रहे हैं। क्यों सर? बता रियलिटी रहे हैं, लेकिन मैं कैद करना चाह रहा हूँ मोमेंट्स को, और ये कह रहे हैं कि यार ये कैमरे में उस तरह नज़र नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं लेकिन आएगा। मैं तो कैमरे से नहीं, मैं अपनी आँख से भी देख रहा हूँ ना। तो जब मैं इसको वॉच करूँगा तो मुझे पता चलेगा ना कि ये कैसा था। वो मेमोरीज याद आएंगी, तो मेरे लिए डिफरेंट है लेकिन देखने वालों के लिए डिफरेंट होता है। आगे चलें, अभी तो आप बहुत कुछ रहता है सर, अभी शुरू किया सर। पॉइंट अब तक एक्सप्लोर किया नहीं है, पिछला एक्सपीरियंस बता दें कैसा रहा? पिछला तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ट्रैक्स जिस ट्रैक पे हम आए हैं अच्छा ट्रैक है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो बहुत वर्थ करता है। वर्थ करता है? इफ समबडी कम गोना लव इट। सुबह का जो ट्रैक होगा ना वो थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए अभी से मैं बता रहा हूँ आपको। ओके बॉस, अभी हम जीरो पॉइंट पर आए हुए, ठीक है, और हम सर को एक्सप्लोर ही करा रहे थे, हमें एक फैमिली मिली, वो है कोटा के, लेकिन सर पे कराची के गेस्ट वगैरह फैमिली मेम्बर्स आए हुए, तो उन्होंने हमें पहचान लिया। अब वो उधर देखे कोने पर ना अपना खाना बनाने की माँ, और उन्होंने हमें खुली दावत दी है कि आप आएँ, आप वहाँ से खाना खाएँ। हम अलहमदा खाना खा कर आए हैं, वैसे खाने की फुटेज दिखानी चाहिए थी, हमने दी नहीं है ना। नहीं दिखा देते, चल दिखा देते खाने के, दिखा देते, चल आए दिखाते हैं, हम वो बना के आ जाएंगे। एक मिनट, एक खाना देखे कैसे, खाना देखे कैसे, क्या बन रहा है। एक मिनट मामू, चलो यहाँ का ज़ियारत का जो पानी है वो सख्त है, कुछ दस्ता नहीं है, आप परेशान नहीं होना, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें थोड़ी देर के लिए, गल जाएगा पानी, मुश्किल से गलता है। ये सही है, इसीलिए आइए, बहुत अच्छा लग रहा है सर।
तो मुझे अभी आपने ये बताना है कि ज्यारत कब आए हो, किसके साथ आए हो और कैसा एक्सपीरियंस गुजर रहा है, मजा आ रहा है कजन्स के साथ? पहली दफ़े आए बलोचिस्तान, तो शादी में आए थे तो उससे हम लोग कजन्स के साथ आए थे। अच्छी जगह है लेकिन लेकिन क्या हाइट से डर लगता है। अच्छा, और सबसे अच्छा मोमेंट जब यहाँ पर आए हो, सबसे अच्छा मोमेंट क्या रहा है? पीसफुल माहौल और फैमिली बॉन्डिंग। अच्छा चलो, एंजॉय किया है ना मतलब फुल? अभी बस खाने का इंतजार है। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बोलो कि भाई FNS एडवेंचर्स को सब्सक्राइब करें। आप लोग ने FNS सन्स को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। शाबाश, वेल डन, थैंक यू। थैंक यू। इस टाइम पे तकरीबन 5:10-5:15 बज रहे हैं और आप देखें सर जो है ना बिल्कुल रेडी होके नीचे आ गए। गाड़ी से जो है ना हमारी हाइकिंग स्टिक्स निकल रही हैं और अब तक देखें पूरी रोशनी हुई भी नहीं है। ठीक है, हम उठे सुबह जल्दी, सबको उठाया, फजर पड़ी और अभी हम जाने वाले हैं जो है ना ज़ियारत की सबसे बेस्ट हाइकिंग पे। ये बिल्कुल स्लोपी ट्रेल है और बहुत मज़ा आता है, पसीने वगैरह भी आते हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, प्लस जो इसका एंड व्यू है ना वो टोटली वर्थ इट है। तो इस ट्रेल पे हम आपको अपने साथ रखेंगे। ऐसा चीज़ों बॉस टेडी भी नीचे आ गए हैं, हाइकिंग स्टिक उठा लिए। तो डैडी लास्ट टाइम आप जब चढ़े थे तो आपका थोड़ा सा मानने वाली बात है, थोड़ा सा थकन हो गई थी, बस बीच में थोड़ा सा रुक गए थे। आज तो नहीं रुकोगे? नहीं रुकेंगे, रुक के जाएंगे। बिल्कुल सर, आपको तो रुकने की इजाजत नहीं है। अच्छा, आप तो एंजॉय करने आए ना। ठीक है, तो एंजॉय करते हुए रुकना नहीं चाहिए। एंजॉय करते हुए क्यों रुकना चाहिए, पसीने वसीने आने चाहिए। जब इंसान को एहसास होता है कि यार आज हमने जो है ना कुछ किया है तो वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको। लेकिन ये वेदर इतना अच्छा है, इसमें भी पसीना आएगा सर, ऐसा मजा आएगा कि आपकी सोच है। अच्छा, यस यस, अभी तक तो खैर धूप नहीं निकली है, दिस इज द टाइम। सुबह के 5:30 बजे अभी, हाँ 5:30 हो रहे हैं और बस अभी हम रवाना होंगे इंशाल्लाह। हाइकिंग स्टिक तो मैंने भी ले लिए, बाकी सबको दे दिए और एक और वो रही। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी जो खूबी है वो ज़ियारत की, देखिए जो इस टाइम जो परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, जो फ्रेश हवा है वो कहीं आपको नहीं मिलती। ये देखें जी, ये इंजॉयमेंट है, ऊपर जाके जो बैठ के फील करेंगे। ओहो हो, क्या बात है। लास्ट टाइम अस्पताल चला गया था अकेला, मैं तो अकेला गया था इस टाइम पे। चलो लेट्स गो सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा चल रहा है सर, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, पक्की बात है, पक्की बात है। चले आगे, असल टाइम में असल चीज आप लाए नहीं। बात कर सकूंगा सांस में? तो बेसिकली ये व्यू देखें, ये देखें, तो जो है ना कैमरा ही पकड़ लो डैडी। हाँ कैमरा पकड़ लो। नहीं चलो भाई चलते जाएं, चलते जाएं। एक ही बंदा बेसिकली डैडी बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप इस हाइक का मजा उठाना चाहते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो भी अर्ली मॉर्निंग, वो देखिए सनराइज हो रहा है उधर से स्लोली,
तो विद दिस मेस्मराइजिंग व्यू, जिसके साथ कैमरा बिल्कुल भी जो है ना जस्टिस नहीं करता। सर हम तो आपको उधर एंड पॉइंट पे लेके जाएंगे, लेकिन तब तक फिर आपका पानी है। अभी एंड पॉइंट बाकी है, वो है ऊपर ऊंचाई। अच्छा, अभी और ऊपर जाना है, वो देख रहे हैं। जाएंगे नहीं, बहुत ऊंचा है, आधा घंटा और लगेगा। ना आप पानी लाए ना कुछ, वहां तक पहुंचते हुए बस फिर आप बोलेंगे यार गया मैं। यानी कि आपको मेरी बस तौबा करवानी है। नहीं नहीं, हम आपको उधर तक लाएं जहां तक आप एंजॉय कर सकें। एंजॉय हो रहा है? एंजॉय तो हो रहा है, जबर नहीं करना, जबर नहीं करते हैं एंजॉयमेंट में यार। किसान साहब कह रहे थे ना ठहर ठहर के जाना है जी, ठहर ठहर के तो आए सर हम, ठहर ठहर के मजा आया ना। देखो कितने आराम से ऊपर आ गए हैं, और ये व्यू जो है मिलियन ऑफ डॉलर्स का, काश की कैमरा ये दिखा सकता। कैमरा नहीं दिखा सकता ये, सिर्फ परिंदे नहीं हवा भी बात कर रही है कानों में। yes. यार ये तो आइसी वाटर है, ठंडा है, बहुत ठंडा है। इसमें एक शावर हो जाए सर, मैं कह रहा हूँ, मैं दिल कह रहा लेट जाओ इधर, इतना मजे का पानी है। आप इसकी सफाई देखो, फुल विद मिनरल्स। पुल थोड़ा कमजोर है सर, एहतियात करना है आपको ना, हम जो है नहीं, आज आ जाए, कुछ नहीं है, आज ऐसा
देखिए इधर सीढ़ियाँ भी थोड़ी बहुत शार्ट है। सर यहाँ से एहतियात से आना है, ये जगह टूटा हुआ सर, एहतियात से आना है आपने। लकड़ियों से बनाया उन्होंने इसको, लेकिन ये बहुत खतरनाक है सर। अभी यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ख्याल रखना है हमने, ठीक है? सर पकड़ के आना, ये पानी है इतिहास है सर। लकड़ियों पे? हाँ लकड़ियों पे, ऐसे ऐसे। ये भी एहतियात करना भाई, यहाँ पर सब टूटा फूटा है भाई, एहतियात से। खतरनाक है सर, आज नीचे खाइए सारी। अच्छा सर 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 अरे सर आराम से, गिनना नहीं बस यार, उतना डेंजरस नहीं जितना मुझे डर आ रहा है। ओके एहतियात करें सर, ख्याल से नीचे देखिए सर। नीचे कुछ नहीं, गिरा तो आप पकड़ लेना ना यार। क्या हो गया? चलें सर बताएं मुझे। ये देखिए सर, ये इसको कहते हैं तंगी, दिस इज तंगी। ये सारा पानी है नीचे सर। वो देखिए ऊपर देखो, वाह मजा आ गया। चल ज्यादा ही आ गए। सर बहुत ठंडा है, बर्फ वाला है, आइसी वाटर। वाह ओके सर, देखिए मेरा। तो अभी आप हमें बताएं कि आपको चेरी कैसी लगी सर? चेरी तो बहुत स्वीट है, आपको पता है यूएस में भी चेरी होती है डिफरेंट टाइप की, मगर ये टाइप नहीं वहाँ आती। और मैं स्पेशली उसी चीज़ को खाने के लिए आया था यहाँ पे, जहाँ से मैंने इनिशिएट लिया, और लाहौर में भी चेरी अगर ये डिफरेंट टाइप की चेरी और बहुत स्वीट है, बहुत मज़ा है। और स्पेशली एट दिस पॉइंट ये मैं कहूँगा कि स्मॉल प्लेस बट बिग एडवेंचर, छोटी सी जगह है लेकिन यहाँ से चल के वहाँ तक जाना इट्स एडवेंचर, और मतलब बहुत मजा ही है छोटी सी जगह पे। और अभी भी आप देख रहे हैं पानी में पाँव डाल के चेरी खा रहा हूँ। पानी कैसा है? पानी तो आइसी वाटर है, ठंडा है आइसी वाटर है। अगर मैं न्यूयॉर्क से रहूँ और पंजाब से आऊँ तो फिर मैं ज़्यादा देर पाँव नहीं रख सकता अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। अच्छा सर, अभी आप हमें बताएं कि आप
एफ एन एस ट्रैवल एडवेंचर्स तक कैसे पहुंचे और आपके दिमाग में कैसे आया कि यार इनके साथ भी टूर मारा जा सकता है ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क? तो मैं ऑफिस में बैठा था और मैं ऐसा ढूंढ रहा था काफ़ी अर्से से कि कोई ऐसा मुझे सोर्स मिले, आई हैव अ होल फैमिली हियर बट मैं अकेले में थोड़ा इन्जॉय करना चाहता था, तो मैं सर्च कर रहा था। तो हमेशा आता हूँ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा हटके भी है और फिर गाइडलाइन कोई नहीं देता था कि कैसे जाना है कहाँ जाना है। तो आई वाज लुकिंग फॉर अ सिक्योर टाइप ऑफ सोर्स, तो मैंने सबसे पहले होटलिंग स्टार्ट करना शुरू की। तो मुझे उनके वीडियो मिली जिसने कहा कि 10 बेस्ट होटल सोचा, तो मैंने मौज की स्क्रीन शॉट लिए होटल्स के नाम थे नंबर जिन्होंने हमें ओपनिंग वीडियो थी कि आप डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे बहुत पसंद आया और मैंने वो सारी वो जो थी नंबर वगैरह नोट कर लिए। एंड देन मैंने जब इनकी वीडियो पर क्लिक कर दिया तो और वीडियोज आना शुरू हो गई, तो वन बाय वन इनकी मैं वीडियो देखता गया एंड फाइनली आई वाज सो क्यूरियस एंड मैंने कमेंट भी किया कि आप मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दें। बट फिर फाइनली इन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें इन्होंने डिस्क्लोज किया अपने पैकेजेस, इसमें डिटेल था नंबर सारा कुछ, तो वहाँ से मैंने नंबर लिया और मैंने मैसेज किया इनको। तो आपको पता ही है ओवरसीज यहाँ आने से थोड़ा सा हम लोग घबराते हैं, तो मैंने जब कॉन्टेक्ट किया इनसे बात की, मैंने स्पेशली जब एहसान साहब से बात की तो एहसान साहब सारी जिम्मेदारी सर पे उठाने के लिए तैयार हो गए विदाउट एनी पेमेंट एडवांस। और मैंने कहा यार ये क्या बंदा है, इसको ट्राई करना चाहिए, जो लाइक मैं आम ले रही यू नो फार फ्रॉम जी लाइक 7,000 miles अवे एंड जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, मैं इसको बोल रहा हूँ ये कह रहा हाँ टिकट का कोई मसला नहीं, ये कोई मसला नहीं, आप बताएं आपने करना क्या है, आप बस आ जाए क्या, आप बस आ जाएँ। तो आप उस काइंड ऑफ कन्विंस के बंदा तो रिलायबल है, वरना आजकल के दौर में कौन इतनी करता है जो ना। तो वहाँ से इनिशिएट लिया और फिर मैंने इनसे सारी डिटेल मांगी और इन्होंने हर चीज़ की कैटेगराइज करके बिल्कुल आइटम्स को लहदा करके मुझे बताया ये इस तरह होगा वो इस तरह होगा, और जाहिर तौर पर मैंने भी इनको बताया कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। और आज मेरा मैं कल जा रहा हूँ और आज मेरा तकरीबन आखिरी दिन है घूमने का आगे, बट इसान साहब हैज अ वेरी वेरी गुड लेवल ऑफ एनर्जी, आपको कभी बोर नहीं होने देंगे, बिल्कुल बेस्ट टूर गाइड, और आपको इंकरेज करते हैं चीज़ें करने में और आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होने देंगे। और मुझे बहुत शौक था फोटोग्राफी का, इन्होंने मुझे बहुत चांस दिया और खुद भी मेरी बहुत दिक्कत हुई और मैंने बहुत फन किया था और बड़ा मज़ा आया मुझे, और आई थिंक आई हैव लाइक अराउंड 400 pictures सो फार, मोर देन 400 सर, एक्साइटेड टू प्रीव्यू देम एंड सी देम एंड सेव देम एज माय वेरी गुड मेमोरी इन लाइफ। आप बाकियों को रिकमेंड करेंगे कि वो लोग भी आएँ एक्सप्लोर करें ज़ियारत को? ऑफ कोर्स आएँ खुद आएँ, पहले अगर आप फैमिली नहीं लाना चाहते आएँ, और ये एहसान साहब बहुत ओपन है, आप इनको बताएं इम्प्रूवमेंट का जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप चाहते हैं कि यार इम्प्रूव हो इस तरह हो, ये हैप्पी ऑल दो सजेशन और वी आर लुक फॉरवर्ड टू इम्प्रूव देयर सर्विसेज, बट इट्स ऑलरेडी वंडरफुल सर्विस, वंडरफुल। व्हाट डू यू से डैडी, मज़ा आया आपको सर के साथ? यार कंपनी ज़बरदस्त है, इनकी बातें अजीब है, इन्होंने हमें अपने यूएसए की जो बातें बताई हैं हमने कभी नहीं सुनी थी, तो बड़ा मज़ा इन सब है, हमने भी इंजॉय किया, इन्होंने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया, लेकिन एक लोग वजू करते हुए शॉक्स में लगाए हुए गए पानी में अभी सोचो शक है पानी में आ गए लेकिन चला गया पानी शॉक्स में गया गया वो कोई बात नहीं। इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं द दुबई रेस्टोरेंट, सर को साथ लाए हुए हैं, सर हैं डैडी हैं और अभी हम इनको जो है ना दुबई रेस्टोरेंट का लेट हो गए हम लोग, लेट उसका 10 मिनट हुए हैं लेकिन लंच अभी हम करेंगे, तो मशहूर है ज़माना दुबई का रोश और जॉइंट और सामान इनका है वो खिलाएंगे, लेट्स गो सर, लेट्स गो एंड दिस इज़ हियर वी आर दुबई रेस्टोरेंट। हम बोलते हैं कि हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं अगर उन्होंने दुबई रेस्टोरेंट का खाना वाना नहीं खाया तो फिर उन्होंने खाना खाया क्या है, दिस इज़ लोकल क्यूजीन ना, ये तो एक्सप्लोर करनी चाहिए। नॉन स्मोकिंग और स्मोकिंग रहता है,
वाओ में पानी आ रहा है सर। मैं तो रोटी का मजा ले रहा हूँ, बैक फ्लश पे जाके अपने बचपन सोच रहा हूँ। अभी भी आपका ज्वाइंट ये रहा, दिस इज योर ज्वाइंट सर। Enjoy। हमने खाना खा लिया है और अभी हम सर के लिए जो है ना शुगर फ्री चाय मंगवाई है। शुगर फ्री चाय। सर खाना कैसा लगा आपको? खाना तो आउट क्लास था। पक्की बात है? पक्की बात है, वेल कुक था, क्लीन था, हाइजीनिक था और बहुत मज़ेदार था और थोड़ा सा डिफरेंट भी था बिकॉज ऑयल में नहीं बना हुआ था। मज़े का था, बहुत मज़े का। चलें भैया अपनी चाय इंजॉय करें। लाइन है सर को अल नसीब, सर ने ड्राई फ्रूट थोड़ी सी शॉपिंग की हुई है और ईरानी सामान चिंगम्स चॉकलेट्स वगैरह लिए हैं। सर तो अभी तक बताएं हमारे साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हमारी कंपनी कैसी लगी आपको और हमारा आइडिया कैसा लगा। और अभी हम आपको शॉपिंग करा रहे हैं तो ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, सही जगह लाएँ आपको। बहुत अच्छा स्टोर है, मैं कभी पहले नहीं आया, इतनी बार फर्स्ट टाइम आया हूँ और ओवरऑल तो एक्सीलेंट, मज़ा आ रहा है बहुत। अभी हमने जाना है आपके लिए बारबेक्यू सेट भी खरीदने जी, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। हमने आपको एक वर्ड सिखाया था, जू। नहीं नहीं नहीं, शुरू का भूल गया। जू। राजा चीजू, राजा चीजू। लेट्स गो।